नमस्कार दर्शक बंधु मु मानी वेलकम करुच्छे आपण मानक गोटे नुआ रेसीपी सहित भेज फुड ओडिया रे। आज मुण सहित सेयार करी भेंडी गोटा भजा जहाँ को आम बिना प्याज रसुण से यूनिक तरीके या रेसीपीट को आरंभ शेष पर्यटन देखु आपन को निश्चित पसंद आस। प्रथम आम कि भेंडी नहीं जावा मुझे 250 ग्राम रो भेंडी नहीं को भल भाव धोई नहीं पोछी देती तार अपर पार्टस आ तल पार्टस को काटिनेबा आ मझीर ताक भाव में काटिनेबा जमी भेंडीटी आम पूरा कटिबो नाही जस्ट मझीर आम गोटे लाइन एमती काटिनेबा जो भाई भाव में भेंडी पूरा कटिबो नाही जस्ट आम मझीर ताक भाव में काटिनेबा। भेंडी को आम गोटे सैड्रे रखिनेबा गैस उपर मीडियम लो फ्लेम रे गोटे पैन बा गोटे कढ़ई रखिनेबा। पैन सामान्य टिके गरम होगापर आम 4 चम्मच बेसन को एथिरे भाजिनेबा गैस रो फ्लेम को आम मीडियम लो रखिकी बेसन को भाजिबा। गोटे मिनिट भाजिला गैस रो फ्लेम को अफ करदेबा बेसन को थंडा हेबा छाड़ीदेबा। एबे आम मसला बनवाई गोटे गहरिया पात्र नहीं जावा और से आम भाजि रखी 4 चम्मच बेसन को आड करदेबा। बेसन रो कंचा बासना बाहर आम बेसन को भाजी नेले एबे इथरे आम 1/4 चम्मच हलदी पाउडर ऐड कर दबा 2 पिंच रो हेंगु एथरे ऐड कर दबा 1/2 चम्मच धनिया पाउडर एथरे ऐड करिबा। एबे इथरे आम ऐड कर दबा 1/4 चम्मच जीरा पाउडर 1/3 चम्मच लुणो बा स्वाद अनुसार लुणो एथरे ऐड करिबा। यह सहित एबे इथरे आम ऐड कर दबा काश्मीरी लंका पाउडर 1/2 चम्मच आपड़ चाहिए ये घर या लंका पाउडर बा चिली फ्लेक भी ऐड करें। मसलार कलर भल आसपाई मुझे काश्मीरी लंका पाउडर ऐड कर मसला पाउडर सहित बेसन को आम भल भाव मिक्स कर नवा बेसन सहित मसला जमी भल भाव मिक्स हे आम से भाव में मिक्स कर नवा। एबे एड करदे कोरा नड़िया 2 चम्मच यह सहित एबे ऐड करदे 2 चम्मच लेंबू रस एठी जदि आम लेंबू रस ऐड करके मसलाटा बनाऊंटे भेंडी गोटा भजार फ्लेवरटा बहुत ही बढ़िया आसीबो। बेसन सहित लेंबू रस आ नड़िया कोरा को आम भल भाव मिक्स कर नवा यापर आम ए पानी ऐड करदे मसलाटा आमर जमी पतला न हो से अनुसार आपड़ धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। धीरे धीरे पानी ऐड करके ये मसलाटा को बनइबे मसलाटा आमर बहलिया रहा दरकार ना भेंडी रु बाहरी जीवो मुझे देखा मसलाटा कौ भाव में कितक ही बहलिया रहा दरकार। एबे आम भेंडी रे मसला भरी नवा भेंडी रो मझीटा को आम काटी से मझीरे आम मसला को भरी नवा जिते मसला एरब आम से भाव में यह भरी नवा आराम से आमको भरवाक पड़ो ना भेंडी भांगिज मु आपण को देखे नौ सब भेंडी रे आमे मसला को एभली भाव में भरी नबा। मोर आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट जदि मोर रेसीपी आपण मानक भल लगुच चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करनी पाखे थिबा बेल आइकन को भी क्लिक करनी जिते बड़े मुझे नुआ नुआ रेसीपी शेयर करी आपण मान पाखे नोटिफिकेशन पहुँची जा मोर कुकिंग चैनल आप सब रेसीपी बिना प्याज रसुण ही पाइबे। सबु भेंडी रो मु मसला भरी सारे एबे हाको आमे फ्राई कर नबा गैस उपरे मीडियम लो फ्लेम रे ऑलरेडी मु गोटे पैन गरम कर नहीं आमे 2 चम्मच सोरस तेल दे दबा। आपण ट्राए करिबे भेंडी रो गोटा भजा बनेला बेले सोरस तेल व्यवहार करिया पई सोरस तेल दे जदि आमे भेंडी रो गोटा फ्राई करछोंदी ताले बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसी थाए। खड़िका साहाज्य रे पैन रे थिबा तेल को आमे सबु आडे कर नबा गैस रो फ्लेम को आम मीडियम लो रखिद एवं आम मसला भेंडी को गोटी गोटी करी सबुआ रखिनबा पैन रे गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत मीडियम लो फ्लेम रे यहाँ आम छाड़ीद यार तलपटा हो गले ओलटाई नवा आमको ये भेंडी को ढांकिबा किसी दरकार नहीं भेंडी बहुत जल्दी सीझी जाए। एमती भी बेसन को आम भाजिकी एड कर बेसन रो कंचा बासना भी रहा आप देखिपे यार गोटे पट भल भाव फ्राए हो आम यार आर पटटा को भी फ्राए कर नवा गैस रो फ्लेम को मीडियम लो करके यार तलपटा को भी आम फ्राए कर नवा गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत मीडियम लो फ्लेम रखला पुणी थे आम ओल्टई नवा आप देखिपे भेंडी गोटा भजा एम रेडी गैस रो फ्लेम को अफ करदे आपण देखिपे यार लुक्स के बढ़िया आसी
ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଭେଣ୍ଡିର ବଟା ଭଜା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମସଲା ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।